नमस्ते। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे माध्यिका निकालने में सतत श्रेणी में माध्यिका को किस तरह से याद किया जाता है, कंटिन्यूस सीरीज में किस तरह से याद किया जाता है। देखिए, हम जानते हैं, मैं इसको एक एग्जांपल के तौर पर समझाते हुए आपको इसके स्टेप्स समझाऊंगा ताकि आपको पता लगे कि हम कैसे माध्यिका ज्ञात करते हैं। देखिए, सतत श्रेणी में अगर मान लो कि इस तरह से हमारे पास कुछ दिया हुआ है कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है और फ्रीक्वेंसी हमें क्या दी हुई है, 6, 8, 10, 11, 12, इस तरह से। अब हमें कहा जाएगा कि इसमें मध्य का मूल्य कितना है, तो उसके कुछ स्टेप होते हैं, उनको समझते हैं हम। देखिए क्या स्टेप है इसके सतत श्रेणी में। स्टेप्स, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यह श्रेणी अपवर्जी श्रेणी है या नहीं, और यदि अपवर्जी नहीं है यानी कि समावेशी श्रेणी है तो हम इसे अपवर्जी में कन्वर्ट करेंगे। तो पहला स्टेप यही होता है, यदि श्रेणी समावेशी है, यदि श्रेणी समावेशी है तो अपवर्जी में बदलेंगे। लेकिन जैसा कि हम इस श्रेणी को देख रहे हैं कि एक अपवर्जी श्रेणी यानी कि एक्सक्लूसिव सीरीज है, इंक्लूसिव नहीं है, तो हम इसी से सॉल्व करेंगे। यानी कि सबसे पहले हमें यही देखना है कि ये एक्सक्लूसिव सीरीज है या नहीं है। और ये हम पिछली क्लास में, पहले जो मेरी क्लास नहीं है उनमें हमने ये बात कर चुके हैं कि समावेशी श्रेणी क्या होती है और अपवर्जी श्रेणी क्या होती है, समावेशी को अपवर्जी में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। तो ये हमें पता लग गया कि एक अपवर्जी श्रेणी है और इसके समान वर्ग अंतर है। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे कि फ्रीक्वेंसी की सहायता से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ज्ञात करेंगे। तो हम इसके अंदर एक बार सीएफ ज्ञात करते हैं, और जैसा कि हमने अभी पहले भी बात कर चुके हैं कि सीएफ कैसे निकालते हैं। देखिए, 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 10 24, 24 और 11 35, 35 और 12 हमारे पास हो गए 47। तो आप देखेंगे कि यदि मैं इसको 15 कर दूं तो हमारे पास ये 50 हो जाएगा। इस तरह से हम कर लेते हैं इसको। तो देखिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने ज्ञात कर ली। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम यहां पर मीडियन ग्रुप पता लगाए, मीडियन ग्रुप ज्ञात करेंगे। मीडियन ग्रुप ज्ञात करेंगे यानी कि कोई भी एक ऐसा, यानी कि 0 से लेकर के 50 ग्रुप, यानी कि 0 से, यानी इसको मान लेंगे अगर ये कोई वेजेस दी हुई है हमें, ये कोई हमें क्या दी हुई है, वेजेस दी हुई है, और ये पर्सन है हमारे पास फ्रीक्वेंसी में, यानी कि 0 रुपए से लेकर के 50 रुपए तक, रुपीज में सपोज करते हैं, इसके बीच का कोई भी एक मार्ग नंबर है और वो क्या है, मीडियन ग्रुप, सॉरी मीडियन है, उसे पता लगाने के लिए हम सबसे पहले पहले ग्रुप तो पता लगाएं कि क्या मीडियन जो है कौन से ग्रुप में आएगा, 0 से 10 के बीच में कोई है, यानी कि 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 9 रुपए, या 10 से 20 के बीच में 11, 12, 13 रुपए, 14 रुपए, 15 रुपए, या 20 से 30 रुपए के बीच में कोई सा भी एक नंबर, 30 से 40 के बीच में या 40 से 50 के बीच में। तो हमारे पास सीएफ निकालने के बाद सबसे पहला काम यही होता है, मीडियन ग्रुप का पता लगाना। और मीडियन ग्रुप का पता लगाने के लिए हम उसे स्मॉल m से डिनोट करेंगे, मीडियन ग्रुप, और इसका फॉर्मूला होता है n बाय टूथ आइटम। यानी कि अभी तक हमने देखा था व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी में n प्लस 1 बाय 2 कर रहे थे, यहां पर हम वो काम नहीं करेंगे, केवल n बाय
टू करेंगे। तो देखिए कि इसके बाद में यदि मैं एन की बात करूं तो एन कितने हैं 50, यानी कि सी एफ कितना है और सॉरी सिग्मा एफ कितना है 50, और उसको 2 से डिवाइड किया तो ये कितना है 25। यानी कि 25th नंबर जो है उसके सामने वाला जो ग्रुप है वो मीडियन ग्रुप होगा। उसके सामने वाला जो ग्रुप है वो मीडियन ग्रुप होगा। तो हम देखते हैं इसके अंदर सी एफ में, तो देखिए 25 जो है 6 से बड़ा है आगे बढ़े, 14 से बड़ा है आगे बढ़े, 24 से बड़ा है आगे बढ़े, लेकिन 35 से छोटा है। तो हमें पता लगा ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, और हमने क्या पता लगा लिया, मीडियन ग्रुप का पता लगा लिया। और वो कैसे पता लगाया, एन बाई टू करके। अब मुझे ये तो पता चल गया कि मीडियन ग्रुप, यानी कि मुझे पता लग गया कि मीडियन जो है 31 रुपए, 32 रुपए, 33 रुपए, 34 रुपए, 35, 36, 37, 38, 39, इनके बीच में कोई ना कोई होगा। लेकिन वो होगा क्या,